दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि हमने न्यू पैन कार्ड अप्लाई किया है और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें मिला है और हम जब ट्रैक करते हैं तो उसमें दिखाता है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो ऐसा क्यों दिखाता है, उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज हम लाइव ट्रैक करके भी देखने वाले हैं कि कैसे ट्रैक किया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ओपन कर लेंगे। अब क्रोम ओपन करने के बाद से इसमें गूगल के सर्च बॉक्स में पैन स्टेटस टाइप कर सर्च करेंगे। उसके बाद से आपको पहला लिंक यहाँ पे शो हो जाएगा, tin.dinnsdl.com, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने NSDL से पैन कार्ड बनाया है तब इससे ट्रैक करेंगे। तो हमने NSDL से ही अप्लाई किया था, तो यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट में यहाँ पे मैं जूम करके बताता हूँ, यहाँ पे आपको यदि न्यू पैन कार्ड बनवाए हैं तो यहाँ पैन न्यू और चेंज रिक्वेस्ट करवाए हैं। यदि आप कोई भी चेंज भी करवाए हैं तो इस पहला ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा शो हो रहा है, यहाँ पे इंटर करेंगे। यदि आपको ये कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से रिफ्रेश करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पैन का स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है। यदि आपका पैन का स्टेटस दिखा रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो आपको 48 घंटों का वेट करना होता है। जब आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है उससे 48 घंटे बाद वेट करना होता है, तभी आपका पैन का स्टेटस होगा, तभी शो होगा। यदि बीच में कभी कहीं छुट्टी हो गया तो उसके काउंट नहीं करेंगे, छुट्टी को छोड़कर 48 घंटे आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से यदि आपने न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो उसका स्टेटस इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि यह छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि वीडियो से रिलेटेड और भी कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।